जी वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ से लगातार अपडेट जो आ रहा है उस पर एक जानकारी है। बिल्कुल, देखिए इंदौर की राउ सीट जहाँ से जीतू पटवारी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं जीतू पटवारी, कांग्रेस की राउ सीट से आगे चल रहे हैं जीतू पटवारी आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर है। प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र छतरपुर की बात करते हैं, यहाँ पर 6 सीटों में 2 सीट पर कांग्रेस आगे, 2 सीट पर कांग्रेस आगे, छतरपुर से अपडेट। अच्छा, राजस्थान में क्या चल रहा है, कुछ अशोक गहलोत को लेकर जानकारी मिल रही है? अभी अशोक गहलोत को तो नहीं, लेकिन पाली को लेकर जानकारी मिल रही है, जिनमें देखिए टोटल 6 सीट है, 5 का रुझान सामने आया है, जिसमें बीजेपी इस वक्त लीड ले रही है, इसमें 4 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है और 1 में फिलहाल कांग्रेस। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, अशोक गहलोत सरदारपुरा से जो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, 1000 वोटों से अभी वो आगे चल रहे हैं, अभी की बड़ी जानकारी रोमाना। और देखिए किस तरीके से आंकड़ा जो है वो लगातार बदलता हुआ, कहीं बढ़ता हुआ कहीं घटता हुआ, फिलहाल मध्य प्रदेश का आंकड़ा आप देख रहे हैं जहां पर मामला बेहद कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस धीरे धीरे कर मध्य प्रदेश में बढ़त की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, फासला घटाती हुई बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं, जहां बीजेपी का नंबर 80 से घटकर अब 77 पर आ गया है और कांग्रेस 68 पर आ गई है, तो मतलब सिर्फ 9 सीट का फासला कांग्रेस और बीजेपी के बीच शुरुआती रुझानों में। मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से गैप कवर करती हुई कांग्रेस पार्टी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना गैप बढ़ा लिया है बीजेपी के मुकाबले, 10 सीट से कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मुकाबले आगे नजर आ रही है, कांग्रेस 40 पर है, बीजेपी फिलहाल 30 पर है। राजस्थान पर नजर डालिए, राजस्थान में बीजेपी ने 20 सीट की बढ़त बनाई, बीजेपी 90 पर, कांग्रेस 70 पर। बजर एक मिनट, जरा काउंटिंग सेंटर से अपडेट ले लेते हैं, कुछ जानकारी आ गई है। चुरहट से अपडेट है, अजय सिंह आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, जो कि पूर्व मुख्य। चुरहट से कांग्रेस आगे चल रही है, मालवा क्षेत्र में आता है रायसेन, 4 सीटों में 3 पर कांग्रेस को, 3 पर कांग्रेस को यहाँ पर बढ़ाते। आयुषी आपके पास भी कुछ जानकारी राजस्थान को? बीकानेर वेस्ट से जानकारी मिल रही है, यहाँ से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला इस वक्त आगे चल रहे हैं, बीकानेर वेस्ट का ये आंकड़ा है, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला इस वक्त। छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ अपडेट है क्या? बड़े चेहरे अरुण वोरा कांग्रेस दुर्ग सिटी से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपनी लोरमी सीट से आगे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ को लेकर आपने सुना, एक जी बताइए। सीधी से जहां से बीजेपी की रीति पाठक आगे चल रही है, 2018 में भी ये सीट बीजेपी के पास थी और अभी बीजेपी आगे है सीधी से रोमाना, मतलब केदारनाथ शुक्ला रीति पाठक का खेल नहीं बिगाड़ पा रहे और राहुल भैया मतलब अजय सिंह मतलब अर्जुन सिंह के बेटे जो चुरहट सीट 2018 में हार गए थे, इस बार वो अपनी सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कमोबेश ये तब्दीली जो 2018 के मुकाबले इस बार नजर आ रही है और बाकी सब कुछ अभी तक सेट पैटर्न के हिसाब से बढ़ रहा है और फिलहाल देख लीजिए आप मध्य प्रदेश में गैप और कम होता हुआ बीजेपी और कांग्रेस के बीच, बीजेपी 75 पर है, कांग्रेस 70 पर है, राजस्थान में सुपर फास्ट नतीजे, बीजेपी 90 कांग्रेस 70, बीजेपी तेजी से वो 100 वाला जादुई आंकड़ा राजस्थान में बहुमत वाला आंकड़ा उसकी तरफ बढ़ती हुई, कांग्रेस पिछड़ती हुई बीजेपी के मुकाबले राजस्थान में नजर आ रही है, शुरुआती रुझान है और ऐसे में बजर अखिलेश। बिल्कुल, एक अपडेट यहां से मैं देना चाहूंगा दर्शकों को, काउंटिंग सेंटर में एक जानकारी है। देश नर्मदापुरम 4 सीट पे बीजेपी आगे, 4 की 4 सीट पे बीजेपी को बढ़त की इस वक्त जानकारी, एक और अपडेट है वो भी बताते चलें, भिंड में 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस, माफी चाहूंगी, भिंड में 3 कांग्रेस, 5 सीटें हैं, 3 कांग्रेस बढ़ा, दो बीजेपी। हाँ आयुषी आपके पास कुछ राजस्थान से अपडेट है शायद? नागौर का आंकड़ा सामने आया, 10 सीटों का रुझान, जिसमें इस वक्त 2 में बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है, 1 में कांग्रेस इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही है, तो ये नागौर का आंकड़ा इस वक्त राजस्थान का सामने आया है। चलिए, और मध्य प्रदेश में टाई हो गया है, रोमाना के पास चलते हैं। मध्य प्रदेश में मामला बराबरी पर, बीजेपी 73 कांग्रेस 73। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।